एक बड़ी खबर जानिए, यूपी के मेरठ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। मेरठ में 3 मंजिला मकान गिर गया है, 10 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, राहत और बचाव का काम जारी है। मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में 3 मंजिला मकान गिर गया है, 10 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, यह आशंका है, राहत और बचाव का काम लगातार यहां पर चल रहा है। यह बड़ी अपडेट है, राहत और बचाव का काम चल रहा है, 3 मंजिला मकान गिर गया है, 10 से ज्यादा लोग अंदर दबे हो सकते हैं। स्थानीय लोग तो रेस्क्यू कर ही रहे हैं, टीम बुलाई गई है रेस्क्यू करने के लिए। मौसम जिस तरह से बरसात का है, इसमें पुराने मकान जो हैं या फिर जो निर्माणाधीन हैं घर, वो आमतौर पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अभी फिलहाल अभी बड़ी अपडेट ये है कि मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरा है, 10 से ज्यादा लोगों के लोग मलबे में दबे हुए हो सकते हैं, यह आशंका जताई जा रही है, राहत और बचाव का काम जारी है। नीचे डेयरी चल रही थी, यह अपडेट अब निकलकर सामने आई है। अब ये तस्वीरें सामने आ गई है, ये उसी घटना की तस्वीर है, मेरठ में 3 मंजिला मकान जो गिरा है, 10 से ज्यादा लोग जो है इसमें दबे होने की आशंका है। अपडेट ये है इस खबर में, नीचे डेयरी चल रही थी तो इसमें इस मलबे में मवेशी भी दबे हो सकते हैं, 10 से ज्यादा लोगों के दबे होने की संभावना तो जताई ही जा रही है, राहत और बचाव का काम चल रहा है। जानकारी ये आई है कि मकान के नीचे डेयरी चल रही थी तो उसमें मवेशी भी दबे हो सकते हैं, लोग भी दबे हो सकते हैं। तो उसकी जो तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, 10 लोग इसमें दबे हो सकते हैं, मवेशी भी दबे हो सकते हैं। अभी जो तस्वीर है, रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है, वहां से मलबा हटाया जा रहा है, टीम तो पहुंची गई है रेस्क्यू करने के लिए, उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। सनुज, मेरे सहयोगी जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। सनुज, ये हादसा कैसे हुआ, इमारत पुरानी थी या कोई और वजह? हाँ देखिए, लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है पिछले कई दिनों से, और बारिश की वजह से ही जो ये मकान है, 3 मंजिला मकान जाकिर कॉलोनी गली नंबर 8 का मामला है, अचानक से तेज धमाके के साथ भरभरा कर गिरा। नीचे की तरफ डेयरी चल रही थी, ऊपर की तरफ परिवार रहता था, और ये आशंका जताई जा रही है कि परिवार के 10 से 12 लोग इसके अंदर फंसे हुए हो सकते हैं। इसी के साथ ही कई मवेशी जो है, मवेशी भी फंसे हुए हैं, राहत और बचाव का काम जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आस पास के इलाके के जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। मेरठ मंडल के कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे, SSP विपिन तारा, SP सिटी आयुष विक्रम सिंह, CDO गोयल, तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। आसपास के थानों से फोर्स बुला ली गई है, कई एम्बुलेंस मौके पर बुला ली गई है। इसी के साथ ही जो दमकल विभाग है, दमकल विभाग की कई टीमें भी मौके पर डेरा डाले हुए हैं। अभी तक चूंकि 3 मंजिला मकान था तो मलबा काफी है, इस मलबे को हटाने का जो काम है, जो प्रयास है वो किया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो, अब ग्राइंडर से इस लेंटर को काटने का जो काम है वो किया जा रहा है, और इस लेंटर को ग्राइंडर से काटने के बाद ही कितने लोग नीचे दबे हुए हैं, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, इसकी जो तमाम जानकारी है वो अभी अधिकारियों के पास है। उनका कहना है कि पहले राहत और बचाव का कार्य चल रहा है, जितने लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, 10 से 12 लोगों की बात निकलकर सामने आ रही है। जो 3 लोग थे जिस वक्त 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा है, तो जो कुछ लोग थे वो बाहर की तरफ थे तो उनकी जान तो बच गई है, लेकिन बाकी इस मलबे के नीचे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कई और भी जो मवेशी हैं वो भी यहाँ पर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, हजारों लोगों की भीड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दमकल विभाग की टीम पुलिस के साथ आसपास के लोग भी राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। आसपास के इलाकों में अनाउंसमेंट करा दिया गया, और वहां से भी जो लोग हैं वो यहाँ राहत और बचाव लोग साफ देख रहे हैं कि जो टीम है वो तो आई हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट पहुंचाते रहिएगा, ABP न्यूज दर्शकों तक बताता रहेगा, और आपको दिखाएंगे सैलाबी सितंबर, घर घर समंदर। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आसमानी ताकत के आगे जिंदगी बेबस है, देश का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त बाढ़ की कैद में, शहर समंदर बन गए हैं तो गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। क्या उत्तराखंड, क्या यूपी और क्या मध्य प्रदेश, सब नदियों की बदली चाल से बेहाल है, क्योंकि तबाही से ज्यादातर शहरों की तस्वीर लाल है।
ढहने लगे पहाड़। नदियों ने बदली चाल, देश का चेरापूंजी जैसा हाल। दहशत का मीटर हाई, आगे कुआं पीछे खाई। गंगा में समंदर जैसी लहर, शहर शहर सैलाबी कहर। निशाने पर संगम, प्रयागराज में बाढ़ विहंगम। इंद्र का अस्त्र, आधा भारत त्रस्त। रिवर्ट करो, रिवर्ट। सैलाबी सितम पर घर घर समंदर। अभी जो आपने देखा वो सिर्फ ट्रेलर था। बिग पिक्चर इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगी, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त पहाड़ और बादल दोनों साथ साथ बरस रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि घर हो या गाड़ियां सब ताश के पत्तों की तरह बह रहे। ये सैलाब का माया जाल है जिसने देवभूमि उत्तराखंड की तस्वीर बिगाड़ दी है, क्योंकि नदी हो या नाले सब उफान पर हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पुल बह रहे हैं और गाड़ियां तो ताश के पत्तों की तरह बह रही हैं। अब जरा उत्तराखंड के रामनगर से आई इस तस्वीर को देखिए। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर जिम कॉर्बेट की है, जहां कुछ पर्यटक जिम कॉर्बेट के ठेला गांव के पास जीप में जंगल सफारी का मजा ले रहे थे, लेकिन तभी ये जीप सैलाब के चक्रव्यूह में फंस गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लहरों में जीप फंसी है, पानी का बहाव इस कदर तेज है कि अगले पल कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी कुछ लोग ट्रैक्टर से जीप की मदद करने आते हैं, लेकिन ट्रैक्टर जीप तक पहुंचता तब तक जीप पानी की गहराइयों में समा जाती है। एक बार फिर देखिए कैसे पल भर में ही भारी भरकम जीप पानी के आगे बेबस हो जाती है। हालांकि वहां मौजूद लोग जीप से सैलानियों को निकाल लेते हैं और सभी सैलानियों की जान बच जाती है। सैलानियों के चेहरे पर खौफ और जान बचने की राहत एक साथ नजर आ रही है। लोगों ने बताया कि अचानक पानी के तेज बहाव में आकर गाड़ी फंस गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इन तस्वीरों में आपने भी देखा कि कैसे पलक झपकते ही गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। हल्द्वानी भी बाढ़ के कहर से अछूता नहीं है। लगातार हो रही बारिश से यहां बाढ़ जैसे हालात हैं। निचले इलाके में बने मकान का हिस्सा गोला नदी में समा गया। एहतियातन आसपास के 3 घर खाली कराए गए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। अब हल्द्वानी के गोला पुल की ये तस्वीर भी देखिए। पुल का हिस्सा टूटकर नदी में समा चुका है, जिसके चलते पुल पर आवाजाही बंद है। ये पुल गोलापार, सितारगंज, टनकपुर और पीलीभीत को जोड़ता है, लेकिन अब सबका कनेक्शन टूट गया है। उत्तराखंड के रानीखेत से आई ये तस्वीरें किसी के भी दिल में दहशत पैदा कर सकती हैं। पूरे प्रदेश में 3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। रानीखेत के द्वारसो,
काकरी घाट मोटर मार्ग में बगड़ी गधेरा उफान पर है। यहां पुल का निर्माण नहीं होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का लेवल 293.15 सेंटीमीटर पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से मात्र 85 सेंटीमीटर, लेकिन निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जैसे पानी जितना बढ़ के आना है या कुछ भी है, उसकी सूचना पर्याप्त हमें मिलती रहती है और हमारे अधिकारियों के द्वारा भी हमें सूचना प्राप्त करा दी जाती है। और इसका जो भी बारिश का, जैसे अभी पानी का लेवल बढ़ता है या कुछ भी बढ़ता है, इसकी सूचना हम निचले स्तर पर जो भी अधिकारी है या नीचे जो भी कर्मचारी है, जो हमारे स्टाफ है या कोई भी है, उन्हें भी हम प्रॉपर सूचना देते रहते हैं कि बाढ़ से कोई भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके, उसके लिए प्रॉपर अपना साधन तैयार रखें। बाढ़ चौकी हमारे पूरी तरह से अलर्ट है। उत्तराखंड के रुद्रपुर के लोगों के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली परेशानी है। एक तरफ बाढ़ का कहर है तो दूसरी तरफ मगरमच्छ का डर है, क्योंकि रुद्रपुर में दो तरह की बारिश हो रही है, एक पानी की, दूसरी मगरमच्छों की। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कों पर मगरमच्छ आ गया है, लोग जान जोखिम में डालकर मगरमच्छ की वीडियो बना रहे हैं। मगरमच्छ के साथ रील शूट कर रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। लोग खुद हादसे को न्योता दे रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। किसी भी जानवर के साथ शरारत महंगी पड़ सकती है। रुद्रपुर में लगातार दो दिन से हो रही बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। कल्याणी नदी में जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड के हर एक शहर का ऐसा ही हाल है। उधर मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी देकर धड़कन बढ़ा दी है। अब चलिए सैलाबी सितंबर के रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। बारिश का पानी जानलेवा हो गया है। फरीदाबाद में एक दिन पहले ऐसी बारिश हुई कि दो लोगों की जान चली गई। ओल्ड फरीदाबाद के इस अंडरपास में डूबने से कल देर रात दो लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के चलते अंडरपास में कई दिन से पानी भरा था, जिसे निकाला नहीं गया और सिस्टम की लापरवाही की भेंट दो लोग चढ़ गए। रात करीब 11 बजे कार सवार बैंक मैनेजर और कैशियर दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद सिस्टम पर सवाल, शिकायत के बाद भी अंडरपास से पानी क्यों नहीं निकाला गया? पुलिस की ड्यूटी के बावजूद अंडरपास से गाड़ी कैसे निकली? ये घटना दुखद है और इसके साथ साथ कई सवाल है। आज सुबह 5 बजे जब प्रशासन को ये खबर मिली, जब हड़कंप मचा, उसके बाद पानी की निकासी की व्यवस्था की गई, और किस तरीके की व्यवस्था है ये भी मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी। ये आपको मोटी पाइप नज़र तो आ रही होगी, ये ट्रैक्टर भी दिख रहा होगा जिसको पानी हटाने के लिए, निकासी के लिए व्यवस्था की गई। अब इस पाइप को देखिए, ये खुद ही बदहाल है। इस पाइप को देखिए, जहाँ जगह जगह से यहाँ से पानी निकल रहा है, मतलब एक तरफ तो निकासी हो रही है, दूसरी तरफ ये पानी छोड़। तो ऐसे होगा तो कैसे होगा, एक तरफ हो रही है निकासी और दूसरी तरफ वहीं से पानी आता जा रहा है, भरता जा रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी की हुंकार, बोले राज्य में तीसरी बार बीजेपी सरकार। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी कोई दूसरी नहीं। जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये जम्मू कश्मीर के तीन खानदान परिवारवादी पार्टियों ने राज्य को खोखला किया। कोलकाता में डॉक्टरों के धरना स्थल पर पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। स्वास्थ्य भवन के बाहर चल रहा है डॉक्टर्स का प्रदर्शन, सीएम के सामने डॉक्टर्स ने नारेबाजी की। कोलकाता में धरना स्थल पर पहुंची ममता बनर्जी ने डॉक्टरों का समर्थन किया, कहा जो आपका दर्द वो हमारा दर्द, मुझे पद की नहीं आपकी सुरक्षा की चिंता, छात्र जीवन में मैंने भी आंदोलन किए, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल के मालदा में कोलकाता रेप और हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन, महिलाओं ने कोलकाता की अभ्या के लिए उठाई न्याय की मांग। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर किया, सर्च ऑपरेशन जारी।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के दो जवान शहीद हो गए। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने घेरेबंदी की सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सर्वोच्च बलिदान, किश्तवाड़ एनकाउंटर में शहीद नायब सूबेदार विपिन कुमार और शहीद अरविंदर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। डोडा की चुनावी रैली के मंच से आतंकवाद पर बोले पीएम, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पोसा गया, परिवारवाद ने दशकों तक यहां के नौजवान को आगे नहीं आने दिया। अहमदाबाद में 16 सितंबर को मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। स्टेडियम से गांधीनगर सेक्टर 1 तक 21 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 8 मेट्रो स्टेशन। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह रहे मौजूद, कल ही जेल से जमानत पर बाहर आए केजरीवाल। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को जवाब दिया, कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जेल में थे तब भी नहीं रुका था दिल्ली का कामकाज, बीजेपी करती है बेबुनियादी बातें। कल रिहाई के बाद केजरीवाल के स्वागत में पटाखे जलाने के मामले में एक्शन, दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइंस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, दिल्ली में पटाखे जलाने पर है पाबंदी। पीएम मोदी की आवाज पर आया एक नया मेहमान, गाय ने बछड़े को जन्म दिया, बछड़े के माथे पर है ज्योति का चिन्ह, पीएम मोदी ने दीप ज्योति नाम। शिमला में संजोली मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर नहीं थम रहा है बवाल, आज भारी संख्या में सड़कों पर लोग निकल आए, प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल। शिमला के सुन्नी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर हिंदू प्रदर्शनकारियों का बड़ा प्रदर्शन, लोगों के आक्रोश को देखते हुए इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किए। संजोली मस्जिद विवाद को लेकर कांगड़ा में भी हिंदू संगठनों ने पालमपुर में हनुमान गली में शांति प्रदर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, मस्जिद में घुसने का कर रहे हैं प्रयास, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बाहर रोका। मणिपुर में हिंसा से ज्यादा प्रभावित घाटी के 5 जिलों में आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू में 11 घंटे की ढील दी गई, बड़ी संख्या में बाजारों में जरूरी सामान खरीदते नजर आए लोग, विरोध प्रदर्शन धरना और रैली पर जारी है रोक। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा ज्ञानवापी को दुर्भाग्य से लोग कहते हैं मस्जिद, ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ हैं। मंगेश एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर योगी सरकार को अखिलेश ने घेरा, कहा साजिश रचने में लगा था पूरा पुलिस विभाग, यूपी में लगातार बढ़ रहा है क्राइम, अपने विचारों सिद्धांतों को लेकर त्याग भी करना पड़े तो तैयार। यूपी के सीतापुर में बीजेपी नेताओं ने अखिलेश के मठाधीश वाले बयान का विरोध किया, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंका, अखिलेश ने मठाधीश और माफिया में वो एक बताया। महाराष्ट्र के ठाणे में राहुल के आरक्षण वाले बयान के विरोध में उतरी शिंदे की शिवसेना, अंबेडकर की प्रतिमा पर प्रदर्शन किया, राहुल गांधी के विरोध में नारे लगाए। हरियाणा के फरीदाबाद में अंडरपास में डूबी एसयूवी कार, हादसे में एचडीएफसी बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत हो गई, गुरुग्राम के सेक्टर 31 में दोनों की पोस्टिंग। अंडरपास में बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत के बाद फरीदाबाद में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज, सिस्टम की हकीकत आई सामने, लोगों का आरोप कई दिनों से जमे पानी के निकासी की नहीं की गई व्यवस्था। उत्तराखंड के रामनगर में जिमकाबत में पर्यटकों से भरी जिप्सी पानी में बही, कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।